अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ सैमसंग की ऑटोमेटिक मशीन, और ऑटोमेटिक मशीन वर्क कैसे करती है और इसका कितना फ़ायदा है और कैसे ये जा रही हैं, सक्सेसफुल जा रही हैं। वो सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑटोमेटिक मशीन के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं आपको सारे डिटेल से दिखाऊंगी कि वर्क कैसे करते हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं और कैसी है ये बाकी मशीनों में, और इसमें क्या डिफरेंस है मैनुअल में और इसमें ऑटोमेटिक मशीन में क्या डिफरेंस है। चाहिए देखें आपको सारे, इसको बाहर से नज़र आ रहे हैं, इसके फीचर्स नज़र आ रहे होंगे, बटन्स नज़र आ रहे होंगे, और ये लुक इसकी नज़र आ रही होगी ओवरऑल कि बाहर से कैसी है। मैं आपको इसको अंदर से दिखा देती हूँ कि इसका टब कैसा है, ये देखिए अंदर से, और इसकी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है कि एट ए टाइम कितने ज़्यादा कपड़े धुल सकते हैं। जैसे आम मशीनें होती हैं उसके अंदर बार बार कपड़े डाल के, और वो बार बार एक ही पानी के अंदर, एक ही सर्फ के अंदर जो है कपड़े काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जितने कपड़े आप एक टाइम में डालेंगे और वही एक दफ़ा वाश होकर निकलेंगे और बाकी सर्फ जो होता है वो दोबारा से यूज़ नहीं हो सकता। इस वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी होती है, एट ए टाइम ज़्यादा कपड़े जो हैं वाश हो सकते हैं। ये देखिए आपको सारे बटन्स नज़र आ रहे होंगे, वाटर का अलग है, टेम्परेचर का अलग है, स्पिन का, वाश का, और ये देख लें यहाँ पर डिटर्जेंट डाला जाता है और साथ ही सॉफ्टनर का जो है बॉक्स बना हुआ है। एक जगह आप सॉफ्टनर डाल सकते हैं और साथ में डिटर्जेंट जो है जो भी आपने सर्फ वगैरह यूज़ करना है वो इसके अंदर डाल के इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। चलिए आपको तकरीबन मैंने दिखा दिया सारा, अब हम वॉशिंग की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने इसको ऑन नहीं किया, इसके अंदर पहले जितने कपड़े जो हैं वॉश करने वाले हैं वो इसके अंदर मैं डालने जा रही हूँ, और इसके बाद मैं आपको इसके दिखाऊंगी क्या इसकी फंक्शनिंग है और इसको कैसे स्टार्ट करना है, इसके अंदर वाटर लेवल क्या रखना है, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है तो ये खुद ही डिसाइड करेगी कपड़ों के लिहाज से कि कितने कपड़े हैं इसके अंदर, तो इसको उसी लिहाज से अपना वाटर लेवल जो है वो डिसाइड करेगी खुद ही। अच्छा, ये ऑटोमेटिक मशीन आप सोच रहे होंगे कि वर्क कैसे करती है, ये एक समझ लें एक तरह का मिनी रोबोट है या मशीन है जिसके अंदर एक तरह से ब्रेन फीड कर दिया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो होती है जो काम इंसान कर सकते हैं, मतलब खुद से सोचना, खुद से डिसाइड करना, वो वाले काम किसी भी आर्टिफिशियली यानी कि ब्रेन जो है किसी भी मशीन या रोबोट के अंदर जब डाल दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वर्क कर रहा है। मतलब इंटेलिजेंस है, उसमें कुछ ना कुछ दिमाग दिया लेकिन वो सारा आर्टिफिशियल है और वो खुद फीड किया हुआ है। इसी तरह अब ये देखेंगे इसके अंदर जो सारी वर्किंग हो रही है, वॉश, रिंस, स्पिन, ये सब कुछ खुद डिसाइड करती है, वाटर लेवल खुद लेती है, खुद से ये सबसे पहले क्या किस तरह से वर्क करेगी, पानी लेती है, उसके अंदर ये कपड़ों को वॉश करती है, वॉश करने के बाद उसको जितना टाइम होगा 10 मिनट या 15 मिनट वॉश करेगी, उसके बाद उसके अंदर वो रिंस करेगी 2 दफ़ा कपड़ों को, जिससे कहते हैं खंगालना, पानी लेगी उसके अंदर अच्छी तरह कपड़े जो हैं घूमेंगे और अच्छे तरीके से वो रिंस कर देगी। उसके बाद सबसे एंड में जो है 5 मिनट या 6 मिनट इसको स्पिन करेगी, मतलब ड्राई करेगी, उससे पहले भी एक दफ़ा ये फिर से इसके अंदर पानी वाटर लेवल उतना ही ज़्यादा होगा और इसके अंदर सारे कपड़े दोबारा से वॉश हो जाएंगे और रिंस होने के बाद फिर लास्ट में ये क्या होगा, स्पिन होगा। तो ये सारा जो फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली होता है, आपने सिर्फ इसके अंदर कपड़े डालने हैं, इसको ऑन कर देना है, ये खुद ही देखेगी कि इसके अंदर कितने कपड़े हैं और उसके लिहाज से ये अपना वाटर जो है खुद ही वाटर लेवल भी खुद ही लेगी। अब आप कह रहे हैं कि पानी कैसे एकदम अंदर आ जाएगा, तो जब ये ऑटोमेटिक मशीन को कहीं पर भी रखा जाता है तो उसके साथ सारा जो इसका सारा सिस्टम है वाटर का वो भी उसके साथ फिक्स कर दिया जाता है, मतलब डायरेक्ट कर दिया जाता है, खुद ही जब ये चलती है तो ये पानी खुद ही लेती है अपनी मर्जी। ये देखें कोई बटन नहीं दबाया, आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी इसके अंदर आना शुरू हो गया, इसने खुद ही पहले मशीन ने थोड़ा सा घूमी है दोनों तरफ और इसने कपड़ों के वेट से अंदाज़ा कर लिया, आपको 2 पे नज़र आ रहा है वाटर लेवल, ये हमने बिल्कुल भी कहीं से जो है ना इसको खुद ने ही सेट किया है और ये इसने ऑटोमेटिकली खुद ही देखा है कि कितना कपड़ों का वेट है, वाटर लेवल इसने 2 कर लिया और ये देख टाइमिंग इसने अपनी खुद ही 50 सेट कर ली है। ठीक है, ये देखें अब इसके अंदर कितने हैं, 15 मिनट वॉश किए हैं और ये देखें 50 मिनट उसके बाद जो है इसके अंदर जितना वो पानी लेती है उसके भी मिनट इसके अंदर काउंट हो जाते हैं, हमने 60 मिनट कर लिया है वॉश करने के लिए। अगर आप ज़्यादा मिनट्स करना चाह रहे हैं तो 15 से 16 कर सकते हैं। रिंस का ये देखें नंबर ए था, वन टाइम, मनी कि एक दफ़ा वो पानी जो इसके अंदर कपड़ों से पानी जो है उसको खंगालेगी वो एक बार करेगी, और 4 जो मिनट आ रहे हैं यहाँ पर स्पिन के आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, ये देखें मैं आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ कितने मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं, 7, 6, 5, ये सारे जो है मिनट्स हैं, 5 मिनट्स के लिए हमने स्पिन के इसके जो है लगा दिए, टोटल जो है 52 मिनट्स हो गए। अब आप कह रहे हो कि 52 बहुत ज़्यादा मिनट्स हैं, ऑटोमेटिक मशीन में सारी वर्किंग खुद ही हो रही होती है, जितनी देर पानी डाल रही है वो भी मिनट्स बीच में काउंट हो रहे होते हैं, जितनी देर में पानी जो है इसके टब में फुल होगा।
ये मैं इतनी डिटेल से इसलिए बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग जो जिन्हें नहीं पता ऑटोमेटिक मशीन का, जिन्होंने सुना हुआ है और वो कंफ्यूज हैं इसके बारे में कि कैसे काम करती है और ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। बहुत ही अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल में, जो भी इंसानों की आसानी के लिए चीज़ें बनाई गई हैं तो अगर आप उसे यूज़ करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा ही होगा, इसमें कोई भी इसका नुकसान नहीं है। और इतने अच्छे कपड़े मेरे ख्याल में काम वालियाँ भी नहीं धोती हैं जितने अच्छे कपड़े जो हैं इसमें वॉश हो जाते हैं। देखिए इसमें यहाँ डिटर्जेंट डाल रहे हैं, डिटर्जेंट चाहें तो इसमें बॉक्स में डाल लें, नहीं तो डायरेक्ट भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। सर्फ इसमें थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि जितने कपड़े हैं उसमें अच्छे तरीके से इसने इसके अंदर ही वॉश होना है, तो इसलिए पानी भी, क्योंकि थोड़ा सा वाटर लेवल भी आम जो मशीनें होती हैं उसकी निस्बत इसमें ज़्यादा ही होता है, कपड़े अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है वॉश हो सकें, स्पिन हो सकें। तो देखें अभी इसके अंदर सर्फ डाल दिया इस तरीके से, बस इसको सर्फ डाल के तो इसको हमने बस बंद कर देना है, उसके बाद बस ये मशीन अपना सारा काम खुद करेगी। जितने मिनट्स ऊपर आ रहे थे 52 मिनट्स आ रहे थे ऊपर, तो 52 मिनट्स बाद ही ऑटोमेटिकली जो है बंद हो जाएगी। उतनी देर में इसने सारा वॉश भी खुद ही करना है, स्पिन भी खुद ही करना है, रिंस भी खुद ही करना है, सब कुछ ये खुद ही करेगी। बस आपने कपड़े डालने हैं, सर्फ डालना है, सिर्फ ये काम करना है, बाकी खुद ही करेगी। और जो पानी है जैसे वो दूसरी मशीन से खुद निकाला जाता है पीछे पाइप से, इसका भी पाइप ड्रेनेज में खुद ही फिक्स किया होता है, ये फिक्स होता है, नहीं तो जहाँ नहीं भी फिक्स होता वो उस टाइम उठा के पाइप वहाँ भी किसी भी जो ड्रेनेज वगैरह है जहाँ से पानी निकलता है वहाँ पर आप जो है रख सकते हैं। तो खुद ही ये जब परिंस करती है उस टाइम भी पानी खुद ही निकल जाता है इसके अंदर से, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। स्पिन करती है तब भी पानी खुद इसमें निकल जाता है। तो इस मशीन का क्योंकि ये फिक्स है ऑलरेडी, वो दोनों पाइप फिक्स है, पानी का भी फिक्स है और ड्रेनेज का भी फिक्स है, तो बस इसको ऑन करके तो छोड़ दिया था। तो उसके बाद 52 मिनट्स बाद में आपको दिखा देती हूँ, देखें 52 मिनट्स बाद ये जो है कपड़े बिल्कुल बंद हो गई थी मशीन, तो उसको खोल के देखा है, देखें कपड़े स्पिन हुए हैं और वॉश हुए हैं। अब आपने इनको कहीं भी बाई लटका लेना, हवा लगवानी और ताकि अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ये सैमसंग की ऑटोमेटिक मशीन थी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो है हायर की ऑटोमेटिक मशीन पे बनाऊंगी और वो भी ज़रूर अपलोड करूंगी ताकि आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस भी पता चल जाए। जो लोग भी हाथ से कपड़े धोते हैं या काम वालियों से कपड़े धुलवाते हैं उन्हें चाहिए कि अभी जाएँ ऑटोमेटिक मशीन ज़रूर परचेज़ करें, एक दफ़ा परचेज़ करेंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसमें आपने सिर्फ कपड़े डालने हैं और फिर भूल जाएं और फिर उसके बाद एक घंटे बाद तकरीबन आप निकालेंगे तो आपके कपड़े बिल्कुल वॉश हुए होंगे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और फैशन टिप्स एंड कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।